Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from Cgpsc e-GYAN. Visit our website visualcard.com to get complete video series. Hello friends, मैं हूँ शारदा, Cgpsc e-GYAN में आपका स्वागत है. देखिए, हमारा जैसे continue lecture चल रहा था, अभी तक हमने क्या-क्या topics पढ़ लिए? राष्ट्रीय आय, ठीक? राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, बेरोजगारी, गरीबी, ये topics हो चुके हैं अपने. ठीक है, मैंने इन सभी के भी बेसिक चीजें बताई हैं आपको. इसके स्टैंडर्ड में जाना बाकी है. मैं आप लोगों को हर एक चीज की एक बेसिक बताते चल रही हूँ, उसके बाद में स्टैंडर्ड में जरूर जाऊंगी. ठीक है, इनके अभी सबसे बेसिक्स हुए हैं. वैसे ही आज हमारा जो है टॉपिक राजस्व, ठीक, पब्लिक फाइनेंस आज हमारा टॉपिक है, जिसमें जो है मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि रिवेन्यू सिस्टम होता क्या है. ठीक है, पब्लिक फाइनेंस है क्या चीज, और इसके अंतर्गत हम जो कुछ अवधारणाएं पढ़ते हैं, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, है ना, तो वो अवधारणाएं मैं यहाँ पे इसमें उसी के लिए जो है एक बैकग्राउंड तैयार करूँ. जब हम वो अवधारणाएं पढ़ेंगे, मैं उसके लिए आपके लिए जो है पब्लिक फाइनेंस का एक आपका आधार तैयार करूँ. तो चलिए समझने की कोशिश कीजिए कि आपका पब्लिक फाइनेंस है क्या. देखिए, साधारण अर्थ में अपन इसको क्या ले सकते हैं कि लोक वित्त का अर्थ राज्य की आय और राज्य की व्यय से लिया जाता है. लोक वित्त का अर्थ अगर कॉमन चीज से, अगर कॉमन तरीके से समझे तो क्या हो रहा है, लोक वित्त का अर्थ राज्य की आय और राज्य की व्यय से लिया जा रहा है. ठीक, आय और व्यय से लिया जा रहा है. ठीक, वहीं अगर हम थोड़ा सा इसके और संदर्भों को अगर बढ़ा के देखना चाहे या दूसरे अगर वे से देखना चाहे तो क्या बोलता है कि सार्वजनिक संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था को ही राजस्व कहते हैं. किसको? सार्वजनिक संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था को. मेन इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है? वित्तीय व्यवस्था किसकी? सार्वजनिक संस्थाओं की.